आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 14.3 कक्षा 9 उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे पास 8th सम है, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु के वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। मतलब पार्क में बच्चे खेल रहे थे, उसमें 1 से 2 वर्ष की आयु के कितने बच्चे थे? 5, 2 से 3 वाले 3, 3 से 5 वाले 6, 5 से 7 वाले 12, 7 से 10 9, 10 से 15 10, 15 से 17 जो है आयु वर्ग वाले बच्चे 4 थे। उपर्युक्त आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाइए। तो यहां पर आयत चित्र हमें बनाना है, सटे हुए आयत बनाने हैं। लेकिन यहां एक बात जो ध्यान करने योग्य है, यहां वर्ग जो है उसकी चौड़ाई 1 है, यहां भी 1 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 5 है, यहां 7 है। अभी तक जो हमने सम किए थे उनमें ये चौड़ाई सबकी सेम थी, वर्ग अंतराल सबके क्या थे? सेम थे, उनकी चौड़ाई एक जैसी थी, लेकिन यहां एक जैसी नहीं है। तो सबसे पहले हमें आयत चित्र बनाने से पहले आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की, इस वर्ग की, वो और आयत की लंबाई हमें पता करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं सभी जो आयु वर्ग है उसमें चौड़ाई कितनी है, कितना फर्क है? 1 का। 2 से 3 तक 1 है, 3 से 5 तक 2 बहुत आसान है, आप माइनस करके भी निकाल सकते हैं, 7 में से 5 गए 2, 10 में से 7 गए 3, 15 में से 10 गए 5 और 17 में से 15 गए 2। इस प्रकार आपके पास चौड़ाई जो हम आयत चित्र बनाएंगे उसकी आ चुकी है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई के लिए एक फॉर्मूला जो आपको मैं बता रहा हूं, क्या फॉर्मूला है? बारंबारता बटा में वर्ग की चौड़ाई कितनी है, गुना में न्यूनतम चौड़ाई, गुना में न्यूनतम चौड़ाई। तो ये क्या निकल जाएगी हमारे पास? लंबाई, जो वर्ग की जो लंबाई होगी वो हमारे पास आ जाएगी। देखिए कैसे निकलेगी, जैसे पहला है बारंबारता कितनी है? 5। वर्ग की चौड़ाई कितनी है? 1। न्यूनतम चौड़ाई इनमें से कौन सी है? न्यूनतम चौड़ाई कौन सी है? 1 है। 1 से गुना कर देंगे, बराबर में कितना आ गया? 1 से 1 5, यानी कि 5/1 गुना में 1 बराबर में 5। इसी प्रकार अगले पे चलेंगे, बारंबारता 3, चौड़ाई 1, न्यूनतम चौड़ाई 1, तो ये भी कितना आ गया? 3। आगे चलेंगे 6/2 गुना में न्यूनतम, यहां 1 ही रहेगा क्योंकि न्यूनतम चौड़ाई है, यहां वर्ग की चौड़ाई चेंज हो रही है, 2 * 3 = 6 कितना आ गया? 3। इसी प्रकार 12/2 गुना में 1, 12/2 गुना में 1, तो 2 * 6 = 12 कितना आ गया? 6। 9/3 गुना में 1 कितना आ गया? 3। तो 10/5 गुना में 1 कितना आ गया? 2। 4/2 गुना में 1 कितना आ गया? 2। तो ये हमारे पास जो वर्ग बनाएंगे हम आयत उसकी जो है लंबाई है, ये हमारे पास चौड़ाई है। इस प्रकार अब हम देखते हैं आयत चित्र कैसे बनेगा, वो वैसे आता ही है, बस इस सम में यही निकालना था हमें, वो हमें निकाल लिया। तो देखिए ऐसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस तरफ आयु वर्ग कहां तक है? 17 तक, तो हम निशान देंगे 17 निशान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 आयु वर्ग आ गया। इस तरफ बारंबारता, इस तरफ क्या रहने वाली है?
बारंबारता। तो कितनी है ज्यादा से ज्यादा, यहां तो 12 है लेकिन हमने लंबाई की चौड़ाई इस साइड आएगी, लंबाई इस साइड जाएगी, तो कितनी है ज्यादा से ज्यादा 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक लगा देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरफ क्या है पैमाना जो है वाई अक्ष के ऊपर कितना लिया मैंने, ये 2 इंच है बराबर 1, 2 इंच बराबर 1 बच्चा। उसी तरह एक्स अक्ष के ऊपर आप अलग भी ले सकते हैं, ग्राफ के ऊपर सेंटीमीटर में होता है, मैं यहां बोर्ड के ऊपर बना रहा हूं तो आपने ग्राफ के ऊपर इसको तैयार करना है। इस साइड 1 इंच बराबर 1 वर्ष। तो देखिए पहले वर्ग की चौड़ाई 1 से लेकर 2 तक है और ऊंचाई कितनी है 1 है चौड़ाई और ये 5 तक जाएंगे, कहां तक 5 तक और इधर 1। ये आ गया 5, ये देखिए। उसके बाद 2 से लेकर 3 तक, 3 तक, ये देख सकते हैं आप अलग अलग कलर से इसकी सजावट भी कर सकते हैं। उसके बाद 3 से 5 फिर 3 है, 3 से लेकर 5 तक, यानी चौड़ाई 2 है और लंबाई उसकी कितनी है 3, तो ये भी 3। इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। आगे 5 से लेकर 7 तक कितना है 6, ये 6 आ गया। देखिए 5 से लेकर 7 तक, अब 7 से 10 तक फिर 3 है, 10 तक चलेंगे, 7 से लेकर 10 तक और ये फिर 3। इस तरह से आपका जो ग्राफ है, जो आयत चित्र है बनता जाएगा। 10 से लेकर 15 तक 2 ही है, ये रहा 15, कितना ऊंचा बनाना है सिर्फ 2 तक, सिर्फ 2। यहां चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई 2 है, इसी प्रकार 15 से 17 ये भी 2 है, 15 से 17 ये भी कितना है 2। इस प्रकार ये आपका आयतचित्र तैयार हो चुका है। बस सीखना क्या था इसके अंदर, चौड़ाई कितनी लेनी है और लंबाई उसकी कितनी होनी चाहिए। इस प्रकार ये आपका सम कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 अंतिम क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, पिछले सम की तरह है बिल्कुल। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यदृच्छया रैंडमली सिलेक्ट किए गए और उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन दिया गया है। कुल नाम और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, जैसे 1 से लेकर 4 तक कुल नामों की संख्या कितनी है 6 है, इसी तरह 4 से 6 30, 6 से 8 44, 8 से 12 16, 12 से 20 4। अब मैंने ये छोड़े हुए हैं क्योंकि यहां पर भी वही समस्या है, जो है वर्ग का जो अंतराल है वो यहां पर 3 है, यहां 2 है, 2 है, 4 है, 8 है, तो उसकी लंबाई पर फर्क पड़ने वाला है और चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है ये हम ज्ञात करेंगे। तो चौड़ाई कितनी है वर्ग की, यहां देखिए कितना फर्क है, 4 में से 1 गया 3, इधर 2, आसानी से निकाल सकते हैं, इधर भी 2, इधर 4, 12 में से 8 गए 4, इधर 20 में से 12 गए 8। तो लंबाई कैसे निकालते हैं उस आयत चित्र में, तो उसका क्या फार्मूला, मैं दोबारा से बता दूं, बारंबारता बटा में
चौड़ाई गुना में न्यूनतम चौड़ाई, न्यूनतम चौड़ाई या कम से कम चौड़ाई को न्यूनतम चौड़ाई कितनी है, दो है तो सबकी निकालेंगे तो छह बटा में तीन, बारंबार का बटा में चौड़ाई गुना में न्यूनतम, दो तीन दूनी छह कितना आ जाएगा चार। इसी प्रकार अगला तीस बटा में दो गुना में दो, न्यूनतम तो वही रहेगी सब में दो ही आएगा, कट गया कितना आ गया तीस। इसी प्रकार चौतालीस बटा में दो गुना में दो कितना आ जाएगा चौवालीस, सोलह बटा चार गुना में दो कितना आ जाएगा आठ, सोलह बटा में चार गुना में दो कितना आ गया आठ, तो इधर चार बटा में आठ गुना में दो, तो दो चौके आठ, चार से चार गया कितना आ गया एक। इस प्रकार जो हम आयत चित्र बनाएंगे उसमें लंबाई और चौड़ाई रहने वाली है, तो किस प्रकार बनेगा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले वाई अक्ष और एक्स अक्ष आपके पास जो ग्राफ होगा उसमें बना हुआ मिलेगा, आपने सिर्फ उसको स्केल करना है। इस तरफ क्या आ जाएगा अक्षरों की संख्या, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या कहां तक है 20 तक है, तो हम 20 तक निशान ले लेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, फिर बीस उन्नीस एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस। तो यहां पर पैमाना, हमने पैमाना क्या लिया है एक्स अक्ष की तरफ, एक्स अक्ष की तरफ ये मेरे पास इंचेस है, तो एक इंच को मैंने कितना लिया है एक अक्षर, एक इंच बराबर अक्षरों की एक अक्षर की संख्या। इसी प्रकार वाई अक्ष पर देखेंगे तो वाई अक्ष पर एक इंच मैं कितना लूंगा आइए देखते हैं, यहां पर ज्यादा से ज्यादा कितने चाहिए 44, कितने चाहिए 44, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और बाईस, बाईस तक हम जा चुके हैं, यहां कितना चाहिए 44, तो क्या करेंगे दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौंतीस छत्तीस अड़तीस चालीस बयालीस और चौवालीस। तो यहां पर जो वाई अक्ष की तरफ पैमाना एक इंच बराबर दो कुल नाम, कितने दो कुल नाम, एक इंच को कितना लिया दो कुल नाम। आइए देखते हैं अब ग्राफ, इस तरफ क्या था कुल नामों की संख्या, कुल नामों की संख्या, तो एक से लेकर चार तक चौड़ाई कितनी है चार, तो कितना ऊंचा बनाएंगे सिर्फ चार तक, एक से लेकर चार तक, ये चार आयत चित्र बनना शुरू, चार से लेकर छह तक तीस है, चार से लेकर छह तक तीस तक ऊंचा बनाएंगे, चार से लेकर चौड़ाई रहेगी दो और लंबाई तीस, ये आप देख सकते हैं तीस, आप इसको अलग अलग रंग के द्वारा डिजाइन भी बना सकते हैं अच्छा लगेगा।
उसके बाद 6 से लेकर 8 तक 44 तक जाएंगे, लास्ट कितना है 44, ये रहा, कितने से कितने, 6 से 8 तक। जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। उसके बाद देखिए 8 से लेकर 12 तक कहां तक जाना है, 8 तक, 8 से लेकर 12 तक कहां तक जाएंगे, 8 तक, लगभग इसके बराबर है, 8 तक जाएंगे, ये रहा 8। उसके बाद 12 से लेकर 20 तक लंबाई 1 है, सिर्फ 1, 12 से लेकर 20 तक सिर्फ 1। एक, ये 12 से लेकर 20 तक कितनी है लंबाई, सिर्फ 1। तो इस तरह का जो आपका आयतचित्र बनने वाला है, लंबाई आपने कैलकुलेट करनी है, फिर उसको बना देना है। पहला पार्ट, दी गई सूचनाओं को निरूपित करने वाला आयतचित्र खींचिए, खींचा गया। वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है, सबसे ज्यादा कुल नाम किसमें है, 6 से 8 वर्ग अंतराल में। तो इसका उत्तर 6 से 8 वर्ग अंतराल में अधिकतम कुल नाम है। मेरे ख्याल में दोनों सम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने अच्छी तरह से समझ लिए हैं, देख लिए हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है। आपका बहुत बहुत